हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली पेरोल फीचर में पे स्लिप कैसा प्रिंट करना है। एम्प्लॉयज़ का पे स्लिप जो है, डिटेल्ड पे स्लिप, वो कैसा प्रिंट करना है मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले का पेरोल और रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूंगा, वो पूरा देखिए। इसमें एंड टू एंड मैं बताया हूँ कैसा पे हेड्स क्रिएट करना, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना, सैलरी डिफाइन कैसा करना है, सैलरी प्रोसेस कैसा करना है, सब कुछ में। और लोन का भी ही कंप्लीट प्रोसेस है, इसका इफेक्ट क्या है बैलेंस शीट में, सब कुछ है। देखिए, ठीक है, आज में हम देखेंगे पे स्लिप कैसा जनरेट करना टैली से। ठीक है, इसके लिए ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली से जाना है आपको डिस्प्ले में। डिस्प्ले से जाइए पेरोल रिपोर्ट्स में। पेरोल रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल, वहाँ पे है आपको पे स्लिप। सिंगल पे स्लिप चाहिए तो प्रिंट कर सकते हैं, मल्टी पे स्लिप चाहिए तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल पे स्लिप दिखाऊंगा मैं आपको। एम्प्लॉय का एक यहाँ पे ऐसा है, देखिए यहाँ पे जितना भी एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स है, एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन है, डिसिग्नेशन क्या है, लोकेशन क्या है, क्या क्या प्रिंट करना है यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा है F12 कॉन्फ़िगरेशन, स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगरेशन में आपको पूरा मिलेगा जो भी चाहिए। जो भी नहीं चाहिए उसको डिसेबल कीजिए, नो कीजिए, ठीक है। अपना डिटेल्स मिलेगा यहाँ, अर्निंग, बेसिक सैलरी, रेंट, जितना भी अर्निंग्स है पूरा यहाँ पे दिखाएगा आपको, और डिडक्शंस जो भी एम्प्लॉय का है यहाँ पे दिखाएगा, और नेट सैलरी, नेट अमाउंट जितना है वो आपको फाइनल में यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ ऑल्ट पी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, ऐसा दिखेगा आपको। E5 शीट में ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। A4 शीट में दो प्रिंट होगा, ठीक है। इसका प्रिंट सेटअप में आप जैसा चाहिए वैसा सेटअप कर सकते हैं इसको। ये था पे स्लिप कैसा प्रिंट करना टैली में। आज के लिए इतना है, और आप मेरा चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।